नमस्कार, मैं रवीश कुमार। लोकतंत्र की हत्या वो हत्या है जो अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से होती है। यह एक सच्चाई है कि लोकतंत्र की हत्या होती है, कई प्रकार से होती है। आज हम जिस हत्या की चर्चा करने जा रहे हैं वो राज्यपाल द्वारा की जा रही और आगे भी की जाने वाली लोकतंत्र की हत्या है। राज्यपाल लोकतंत्र की हत्या भी करता है, लोकतंत्र को हत्या से बचाता भी है। राज्यपाल का लोकतंत्र की हत्या और उसके आरोपों से गहरा संबंध होता है, बल्कि वह हत्या के आरोपों से शर्मसार नहीं होता है। वह जानता है कि राज्यपाल है तभी तो लोकतंत्र की हत्या है, या लोकतंत्र की हत्या है इसीलिए तो राज्यपाल है। 20 साल बाद समझे जाने वाली मेरी बातें आपको बेकार लग सकती हैं, लेकिन यही बातें 20 साल पहले भी कही जा चुकी हैं, यानी इस बात की गारंटी है कि 20 साल बाद भी यही कहा जाता रहेगा। आप कहेंगे कि लोकतंत्र की हत्या के लिए कोई राज्यपाल क्यों बनता होगा। आपका यह प्रश्न मुझे लंबे जवाब के लिए प्रेरित कर रहा है। विशाल भवनों और उनके आलिशान सैरगाहों का अपना आनंद होता है, 6 साल की स्थिरता की गारंटी है किसी चुनी हुई सरकार की अस्थिरता की गारंटी के लिए। एक चुनी हुई सरकार गिर सकती है, मगर गलत फैसला लेकर एक चुना हुआ राज्यपाल नहीं गिर सकता, कोई हटा नहीं सकता। जरूरी नहीं कि राज्यपाल बनने के बाद ही वह लोकतंत्र की हत्या करे। ऐसे लोग भी राज्यपाल बनते हैं जो बनने से पहले अपने पदों पर रहते हुए लोकतंत्र की हत्या कर चुके होते हैं, इंसाफ की हत्या कर चुके होते हैं। जब वे पहले हत्या कर सकते हैं तो राज्यपाल बनने के बाद लोकतंत्र की हत्या क्यों नहीं करेंगे? ऐसा नहीं मानने की गलती आप कर सकते हैं। जो विधायक राज्यपाल पर लोकतंत्र की हत्या के आरोप लगाते थे वही राज्यपाल बन जाते हैं तो उन पर दूसरे विधायक लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते हैं। राजभवन लोकतंत्र का कोप भवन भी है और प्रकोप भवन भी। इसके प्रकोप से भारत का लोकतंत्र कभी नहीं बच सका है। कोप और प्रकोप का स्कोप काफी ज्यादा है यहां। लोकतंत्र की हत्या एक राजनीतिक आरोप है, मगर संवैधानिक सच्चाई भी है। सुप्रीम कोर्ट के अनेक फैसले बताते हैं कि राज्यपाल ने लोकतंत्र की हत्या का प्रयास किया। इस हत्या के लिए किसी को सजा नहीं होती, न 20 साल की न 20 दिनों की। मेरी तो थ्योरी है कि लोकतंत्र की हत्या का संबंध राज्यपाल से है ही नहीं। राज्यपाल के बगैर भी लोकतंत्र की हत्या हो सकती है, कोर्ट से भी हो सकती है, थाने से भी हो सकती है, लोगों से भी हो सकती है, मीडिया से भी हो सकती है, जैसे कि आजकल होती रहती है। भारत के लोगों के लिए लोकतंत्र की हत्या एक राजनीतिक मनोरंजन है। हम सभी जानते हैं कि राज्यपाल का पद संवैधानिक होता है ताकि वह राज्य में संवैधानिक संकट पैदा होने पर संवैधानिक व्यवस्था का इंतजाम करे। राष्ट्रपति शासन लगवाकर खुद व्यवस्थापक बन जाता है। सरकार गिराने और बनाने के दौरान राज्यपाल नए नए तरह के संवैधानिक संकट पैदा कर सकते हैं। उनके पैदा किए हुए कई संकट पुराने हो चुके हैं और उन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अनेक बार आ चुका है, फिर भी वे सेम टू सेम टाइम का संकट पैदा करते हैं। आजकल कुछ नए तरह के संकट पैदा करते हैं। संवैधानिक संकट पैदा करना ही राज्यपाल की बड़ी खूबी होती है। संकट वो संवैधानिक आपदा है जो अवसर देती है। राजभवन का घेराव या राजभवन के भीतर प्रदर्शन कोई नई बात नहीं है। राजभवन की तरफ आता हुआ मार्च विधायकों में जोश तो भर देता है, लेकिन राज्यपाल टस से मस नहीं होते। वो संविधान के कम होते हैं, जो उन्हें इस पद पर बिठाते हैं उनके ज्यादा होते हैं, कम से कम इतिहास तो यही कहता है। राज्यपाल के द्वारा लोकतंत्र की हत्या के अनेक उदाहरण हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे उदाहरण 50 साल पहले के हैं। 5 साल वाले भी कई उदाहरण हैं जिससे आपको उम्मीद हो सकती है कि ये खेल आज तक जारी है। सबसे पहला खेल बताता हूँ, 26 जनवरी 2016 को जब भारत संविधान के लागू होने के जश्न में डूबा था, तब शाम 7:59 पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के कैबिनेट की सिफारिश पर दस्तखत कर रहे थे। आप उस वक्त सरकार के मंत्री और वकीलों की दलीलों को निकाल कर देखिए, इंटरनेट में है, लगेगा कि उनका एक एक कदम सही है, एक एक बात करेक्ट है। कह रहे थे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के विवेकाधिकार और कैबिनेट का फैसला सर्वोच्च है। 7 महीने बाद जुलाई 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के फैसले को रद्द कर दिया। 5 जजों की खंडपीठ ने यह फैसला दिया था। इसमें से एक जस्टिस खेर ने कहा था कि जब राजनीतिक प्रक्रियाओं की हत्या हो रही हो तो कोर्ट मूक दर्शक बना नहीं रह सकता। राजनीतिक प्रक्रियाओं की हत्या किसने की थी आपको बताने की जरूरत नहीं।
अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल जेपी राजखोवा ने 14 जनवरी 2016 की तय तारीख के बाद भी 16 दिसंबर 2015 को विधानसभा की बैठक बुलाकर असंवैधानिक काम किया था। अदालत ने राज्यपाल के उस संदेश को भी रद्द कर दिया जो उन्होंने 9 दिसंबर के रोज विधानसभा को भेजा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल विधानसभा का एजेंडा तय नहीं कर सकते, इसलिए 9 दिसंबर के बाद विधानसभा के तमाम फैसले अवैध घोषित हो जाते हैं। 9 दिसंबर से पहले की विधानसभा बहाल की जाती है, यानी कांग्रेस सरकार वापस अपने वजूद में आती है। अरुणाचल प्रदेश में राज्यपाल विधानसभा की तय तारीख से एक महीना पहले विधानसभा बैठक बुला लेते हैं और यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में रद्द हो जाता है। राजस्थान के राज्यपाल सरकार के आग्रह के बाद भी विधानसभा की बैठक नहीं बुलाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कैसे स्वागत करेगा? पुराने फैसलों के हिसाब से इसका उत्तर है नहीं करेगा, क्योंकि इसी फैसले में कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल विधानसभा का एजेंडा तय नहीं कर सकते हैं। उस फैसले की कॉपी हर राजभवन में भिजवा दी जानी चाहिए, जिसमें लिखा था कि क्या इसका मतलब है कि जब भी राज्यपाल बोर हो जाएं तो वो उत्साह महसूस करने के लिए विधानसभा का सत्र बुला सकते हैं। क्या राज्यपाल का फैसला ठोस संवैधानिक सिद्धांतों पर आधारित था या फिर उनकी सनक पर? आप संवैधानिक विवेकाधिकार का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब वो किसी संवैधानिक सिद्धांत पर आधारित हो। यहां क्या संवैधानिक सिद्धांत था? क्या विधानसभा के सत्र को जल्द बुलाना आपकी विवेकाधीन शक्तियों में आता है? जाहिर है विधानसभा का सत्र बुलाना राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों में नहीं आता है। अब आपको उत्तराखंड की घटना याद दिलाता हूं। वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। नैनीताल हाईकोर्ट में सरकार केस हार गई, केंद्र सरकार। फिर सुप्रीम कोर्ट गई, वहां भी हार गई। नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रपति कोई राजा नहीं होते जिनके फैसले की समीक्षा नहीं हो सकती। राष्ट्रपति और जज दोनों से भयानक गलतियां हो सकती हैं। जब राष्ट्रपति राजा नहीं हो सकते तो जाहिर है राज्यपाल सम्राट नहीं हो सकते। उस फैसले को लिखने वाले थे जस्टिस के एम जोसेफ, जिनकी सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति कई दिनों तक अटकी रही। नैनीताल हाईकोर्ट के जस्टिस यूसी ध्यानी ने फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया था, जिसे केंद्र सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट की डबल बेंच में चुनौती दी कि राष्ट्रपति शासन के वक्त फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता। मगर 21 अप्रैल 2016 को जस्टिस जोसेफ और जस्टिस बिस्ट ने फ्लोर टेस्ट के आदेश को सही ठहराया और हरीश रावत की सरकार से कहा था कि 29 अप्रैल 2016 को बहुमत साबित करें। फिर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन वहां से भी उसे राहत नहीं मिली। 10 मई 2016 को उत्तराखंड में फ्लोर टेस्ट के आदेश दिए गए, यानी सुप्रीम कोर्ट फ्लोर टेस्ट का आदेश दे सकता है और तारीख भी बता सकता है कि फ्लोर टेस्ट कब होगा। यही नहीं, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विधानसभा कितने घंटे के लिए खुलेगी। सिर्फ 2 घंटे के लिए विधानसभा को खोला गया था। दोबारा से यही प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा नवंबर 2019 में। 23 नवंबर 2019 को महाराष्ट्र के राजभवन में अचानक फडणवीस को शपथ दिलाई जाती है। विपक्ष ने उन पर बहुमत साबित करने का दबाव बनाया तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में कहने पहुंच गई कि सुप्रीम कोर्ट फ्लोर टेस्ट के आदेश नहीं दे सकता, राज्यपाल का अपना अधिकार है। जबकि आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड मामले में फ्लोर टेस्ट के आदेश दिए, इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने वही किया। 27 नवंबर 2019 को सदन में बहुमत साबित करने के लिए कहा, लेकिन 26 नवंबर को फडणवीस ने इस्तीफा दे दिया। मगर कोर्ट की बहस में उलझाने के लिए इस मामले को तान दिया। महाराष्ट्र मामले में सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी बहस करने लगे। विपक्ष की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल ने मोर्चा संभाला। तुषार मेहता ने अजीत पवार का पत्र पेश किया और इस पत्र में अजीत पवार ने नेता विधायक दल का दावा किया था। इस पत्र में 54 विधायकों के हस्ताक्षर दिखाए गए, 11 अन्य विधायकों का भी समर्थन पत्र दिया गया। इस तरह से बीजेपी ने 170 विधायकों के समर्थन का दावा दिखाया। तुषार मेहता ने कहा कि राज्यपाल के सामने जो सामग्री थी उसी के आधार पर फैसला किया। राज्यपाल जांच नहीं बिठा सकते थे, हर गलत का सही साबित करने का प्रयास किया गया। जस्टिस खन्ना ने एक सवाल किया कि क्या मुख्यमंत्री के पास आज बहुमत है?
क्या फ्लोर टेस्ट कराया जाए। मुकुल रोहतगी ने कहा कि सवाल यह है कि फ्लोर टेस्ट कब हो, कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए, राज्यपाल को तय करना है, राज्यपाल के अधिकार की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। सरकार के वकील गलत को सही साबित करने की दलीलें देते रहे, उनकी एक बात कोर्ट में नहीं टिक सकी, जानते हुए भी कि राज्यपाल राजा नहीं है। कहने वाली अदालत राज्यपाल की समीक्षा कर सकती है, वो कह रहे थे कि राज्यपाल के फैसले की समीक्षा नहीं कर सकते। यहां तो अब स्पीकर के फैसले के पहले फैसले की प्रक्रिया में कोर्ट में चली गई है बात, फैसला लेने पर रोक लगी है। महाराष्ट्र में कोर्ट में बहस फंसाकर वक्त लिया गया, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं। यही हुआ कि संवैधानिक मर्यादाओं की धज्जियां उड़ी, संवैधानिक नैतिकता को ताक पर रख दिया गया। राजभवन, राज्यपाल, संवैधानिक मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाने के ये तीनों उदाहरण 2014 के बाद के हैं, 70 के दशक के नहीं है। इस बहस के केंद्र में थे अजीत पवार, जिन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया, जिन पर बीजेपी 25,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का आरोप लगाया करती थी, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। सुबह 5 बजे राष्ट्रपति शासन हटाकर प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर अजीत दादा पवार को बधाई दी थी। अजीत पवार और सचिन पायलट का मामला अलग अलग होते हुए भी कई बिंदुओं पर एक समान लगता है। अजीत पवार के वकील कोर्ट में कह रहे थे कि अजीत पवार एनसीपी में हैं या नहीं, ये मुद्दा कोर्ट में नहीं है। अजीत पवार एनसीपी में हैं और विधायक दल के नेता हैं, जबकि एनसीपी ने विधायक दल के नेता पद से अजीत पवार को हटा दिया था, जैसे गहलोत ने पायलट को उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था। चीफ व्हिप ने अयोग्य ठहराने का नोटिस जारी किया और स्पीकर राजस्थान विधानसभा ने नोटिस जारी कर कारण पूछा। यही नहीं, अजीत पवार ने जिन विधायकों की सूची दी थी उनमें से 53 वापस चले गए। वो कहने लगे कि उन्होंने फडणवीस सरकार को समर्थन नहीं दिया, उन्हें धोखे में रखा गया। सचिन पायलट मीडिया से बात नहीं कर रहे, मगर सूत्रों के हवाले से उनके बयान छप रहे हैं कि वे बीजेपी में नहीं जाएंगे। उनके साथी विधायक कह रहे हैं कि वे कांग्रेस में हैं। अजीत पवार वापस आकर मंत्री बन गए, क्या सचिन पायलट भी बन सकते हैं या फिर सचिन पायलट इस दलदल में फंस गए? अगर शरद पवार अजीत पवार को मंत्री बना सकते हैं तो गहलोत क्यों नहीं? या फिर सचिन पायलट चुनावी राजनीति को ही अलविदा कर दें तो विधायकों का क्या होगा जो उनके साथ गए? अजीत पवार सचिन पायलट नहीं। 4 दिनों तक देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया और उन्हीं से अपने खिलाफ कई मुकदमों को, मामलों को वापस कराया। सत्ता को सेवा समझने वाले फडणवीस उन आरोपों को वापस लेते हैं जिन्हें लगाकर अजीत पवार को करप्ट बताया करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चैप्टर को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। सचिन पायलट कहते हैं बीजेपी में नहीं जाएंगे। बीजेपी के लिए कोर्ट में मुकदमा लड़ने वाले वकील उनका मुकदमा लड़ते हैं। ये और बात है कि इस वक्त वो वकील उन पदों पर नहीं हैं जिन पर रहते हुए बीजेपी सरकार के लिए मुकदमा लड़ा करते थे। अजीत पवार के वकील उस वक्त बीजेपी सरकार के लिए दलील दे रहे थे, ठीक वैसे ही सचिन पायलट के वकील इस वक्त दे रहे हैं। अजीत पवार के वकील कह रहे थे कि पवार के समर्थन पर महाराष्ट्र सरकार के वकील क्यों यह दलील दे रहे हैं कि समर्थन का पत्र देने के बाद अगर कोई स्थिति पैदा हुई है तो राज्यपाल देखेंगे। उस समय विधायक कह रहे थे कि समर्थन नहीं दिया, राज्यपाल कह रहे थे कि उनके पास समर्थन है। क्या सचिन पायलट और उनके साथी विधायक स्पीकर को जवाब ना देकर किसी संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं? क्या पायलट कोर्ट जाकर हारी हुई बाजी नहीं लड़ रहे? क्या स्पीकर के नोटिस का जवाब देने की वे जिम्मेदारी नहीं समझते? उनकी अपनी संवैधानिक जवाबदेही क्या है? तो उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र में राज्यपाल के जरिए जो खेल खेला गया वो कोर्ट में नहीं टिका। सिब्बल और सिंघवी की टीम ने हर दलील में रोहतगी और मेहता को मात दी। महाराष्ट्र में फडणवीस इस्तीफा देते हैं और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनते हैं। अब आते हैं मध्य प्रदेश। जिस वक्त कोरोना का संकट पांव पसार रहा था उस वक्त मध्य प्रदेश में सरकार गिराने की तैयारी चल रही थी। विधायकों के पाले से जाते हुए देख कमलनाथ सरकार संकट में आ गई। स्पीकर कोरोना का बहाना बनाकर सदन में बहुमत साबित करने से आनाकानी कर रहे थे। मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के 9 विधायकों के साथ ही मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक दल की याचिकाओं पर सुनवाई होने लगती है। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश में अनिश्चितता की स्थिति को फ्लोर टेस्ट के जरिए ही प्रभावी ढंग से हल किया जाना चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश असेंबली का सत्र 20 मार्च को बुलाया जाए। केवल एक एजेंडा, क्या सरकार को बहुमत है विधायकों को सुरक्षा के घेरे में सदन लाया जाए। कमलनाथ की सरकार गिर गई। मध्य प्रदेश में बीजेपी चाहती थी कि कमलनाथ सरकार विधानसभा का सत्र बुलाकर सदन में बहुमत साबित करे। राजस्थान में क्यों नहीं चाहती? बीजेपी कोर्ट में इसलिए गई मध्य प्रदेश के मामले में क्योंकि राज्यपाल अपनी तरफ से सदन नहीं बुला सकते होंगे। सदन बुलाने का अधिकार सरकार के पास होगा, मुख्यमंत्री के पास होगा, कैबिनेट के पास होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सत्र आहूत होगा और विश्वास मत हासिल करना होगा। राजस्थान में गहलोत सरकार चाहती है कि सत्र बुलाया जाए, लेकिन राज्यपाल फैसला नहीं कर सके। संकेत इस तरह से आए कि फैसला नहीं कर रहे हैं। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर नोटिस जारी कर विधायकों से पूछना चाहते थे, मगर मामला कोर्ट में चला गया। अंतिम निर्णय का इंतजार हो रहा है, कब तक होगा पता नहीं। इस बीच कांग्रेस लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ के नारे के साथ आंदोलन पर उतर आई है। रविवार को दिन भर कांग्रेस के नेता ट्विटर पर वीडियो जारी करते थे। राजस्थान में अशोक गहलोत ने अपने विधायकों के साथ प्रार्थना सभा की। गहलोत ने कहा कि राजस्थान की लड़ाई राष्ट्रीय स्तर पर लड़ी जा रही है। गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की और राज्यपाल के इस बर्ताव का जिक्र किया कि वे सत्र नहीं बुला रहे हैं। उधर बीएसपी ने याचिका दायर की कि कांग्रेस में 6 विधायकों का विलय गलत है, जो 1 साल पहले हो चुका था, वे पार्टी का विप माने। बीजेपी ने कोर्ट में याचिका दायर की और याचिका खारिज हो गई। सचिन के लिए बीजेपी, बीएसपी के लिए बीजेपी। उसके पहले दिल्ली में स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली। कपिल सिब्बल ने कहा कि हमें पीड़ा है कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन नहीं कर रहा है। हम याचिका वापस ले रहे हैं, हाईकोर्ट के फैसले पर विचार कर रहे हैं कि चुनौती दी जाएगी या नहीं। कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद और अश्विनी कुमार ये तीनों पूर्व कानून मंत्री हैं और इस हैसियत से राज्यपाल को पत्र लिखते हैं कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद के कहने पर सत्र बुलाने के लिए बाध्य हैं। संवैधानिक पद की जो परंपरा है उससे अलग हटकर काम करेंगे तो माना जाएगा कि आप अपने शपथ का पालन नहीं कर रहे हैं, इससे संवैधानिक संकट पैदा होगा। फिर दोपहर को राजभवन की तरफ से एक प्रेस नोट जारी हुआ जिसमें राज्यपाल ने कहा कि सत्र बुलाने की कार्यवाही सरकार शुरू करे, मगर मेरी सलाह के साथ, और उनकी सलाह 3 थी, 21 दिन का नोटिस दिया जाए, अगर शक्ति परीक्षण होता है तो उसका लाइव प्रसारण हो, कोविड को देखते हुए 200 विधायकों और 100 से ज़्यादा अधिकारियों की सोशल डिस्टेंसिंग का इंतजाम हो। अब इसे लेकर कन्फ्यूज़न हो गया कि राज्यपाल ने सत्र बुलाने की अनुमति दे दी है या पहले सवालों के जवाब मांगे। राज्यपाल ने जिन सवालों को पूछा है उससे भी यह सवाल उठता है कि क्या राज्यपाल सत्र बुलाने से पहले ये सवाल कर सकते हैं, इसकी क्या परंपरा है, या राज्यपाल टुकड़ों टुकड़ों में बता रहे थे कि वे सत्र बुलाने जा रहे हैं। सवाल है, मुख्यमंत्री ने 31 जुलाई से सत्र बुलाने को कहा, कोरोना काल में दुनिया भर में कई जगहों पर संसद की गतिविधियाँ चलती रहीं, सिर्फ भारत में ही बंद हैं, वो एक अलग मसला है। हमारे साथ संविधान के विशेषज्ञ फैजान मुस्तफ़ा हैं जिनसे हम बात करने जा रहे हैं। फैजान साहब, मेरा पहला सवाल यही है कि राज्यपाल ने सरकार को कहा कि आप 3 सवालों के जवाब दीजिए कि क्या आप 21 दिन के बाद सत्र बुला सकते हैं, 21 दिनों की समय सीमा दे सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का क्या इंतज़ाम करेंगे, और क्या आप विश्वास मत हासिल करने के लिए बुला रहे हैं। ये प्रेस नोट दोपहर में जारी हुआ। मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी तक आप लोग यही बताते रहे हैं कि जो सरकार का मंत्रिमंडल फैसला करके देगा राज्यपाल उसी तारीख पर सत्र बुलाने के लिए बाध्य हैं, यही परंपरा है। क्या उस परंपरा में इस तरह की भी व्यवस्था है सवाल पूछने की, सलाह मांगने की? रवीश, लगता है कि जो संविधान मुझे प्रोफेसर वीरेन सिंह रेखी ने पढ़ाया था वो शायद गलत था, फिर से पढ़ना पड़ेगा। देखिए, जो संविधान की व्याख्याएं हैं उसमें बहुत बड़े संविधान के ब्रिटिश एक्सपर्ट थे सर एवर जेनिंग्स, उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस जो हैं दे प्रोवाइड फ्लैश टू द ड्राई बोन्स ऑफ लॉ। क्या है कन्वेंशन? कन्वेंशन ये नहीं है कि क्वेश्चन पेपर बना के दे देंगे गवर्नर, ये हम टीचरों का काम है कि हम लोग स्टूडेंट से क्वेश्चन पेपर पूछेंगे। एक बार चीफ मिनिस्टर ने लिख के दिया तो उन्होंने नहीं माना, अब दोबारा उन्होंने एक डेट दे दी, एक एजेंडा दे दिया कि इकोनॉमी पे डिस्कशन होगा, कोरोना वायरस पे डिस्कशन होगा।
अब ये सारे काम के वहां सोशल डिस्टेंसिंग होगी नहीं होगी, ये अब स्पीकर का काम है, हाउस कैसे चलेगा ये उनका काम है। और आज तक मैंने नहीं कभी सुना कि कोई गवर्नर ये पूछेगा कि भाई आप विश्वास मत तो नहीं ले रहे हो। आम तौर से जब चीफ मिनिस्टर जो है वो अपना विश्वास खो देता है तो गवर्नर ये कहता है विश्वास मत लो, और मैं इस दिन सेशन जो है वो फिक्स कर रहा हूं। वरना नॉर्मल हालात में जैसे कि आजकल हैं और गवर्नर साहब कह रहे हैं कि आपसे किसी ने नहीं कहा विश्वास मत लें, इसमें गवर्नर के पास कोई विशेषाधिकार नहीं है। समझ लीजिए रवीश के संविधान में जो गवर्नर को विशेषाधिकार है डिस्क्रिशन, उस डिस्क्रिशन का मतलब क्या है, जो काम मिनिस्ट्री नहीं करेगी वो है विशेषाधिकार। रवीश आपको याद होगा आपके शो पे हमने जुलाई 2018 में एलजी वर्सेस चीफ मिनिस्टर के केस में बात की थी, और आपको याद होगा कि उसमें 500 पेज का जजमेंट था, मेजॉरिटी ने 12 फंडामेंटल प्रिंसिपल संविधान के लिखे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्शियंस होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिविटी होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरेलिटी होगी। कॉन्स्टिट्यूशन रेनेसा की भी बात हुई थी, शायद आजकल नया रेनेसा हो रहा है जिसमें हमारे गवर्नर्स अंग्रेजों के जमाने के गवर्नर्स की तरह जा रहे हैं। आपको मालूम है 1937 में जब कांग्रेस 7 स्टेट्स में जीत गई थी, वो लोग सरकार नहीं बना रहे थे, कह रहे थे ये जो गवर्नर की स्पेशल पावर्स हैं विशेषाधिकार 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत, इनका इस्तेमाल नहीं करेगा। और जब ये वादा हो गया कि हाँ नहीं करेंगे, तब वो सरकारें बनी। ये बड़े अफसोस की बात है कि जब हमने संविधान बनाया तो जिस चीज की हमने इतनी मुखालफत की थी वही संविधान में हम रख दी। मैं समझ रहा हूं कि ये प्रश्न पत्र जो गवर्नर साहब ने भेजा है ये संवैधानिक मर्यादाओं और संवैधानिक परंपराओं और संविधान की जो टेक्स्ट है इन सब के विरुद्ध है। पर ये विशेषाधिकार की आप बात कर रहे हैं, ये है क्या? मैं अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड के मामले में और खासकर महाराष्ट्र के मामले को लेकर जो बहस हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, और जिस तरह से बीजेपी के पक्ष के लोग या फडणवीस के पक्ष के लोग वकील जो दलील दे रहे हैं, वो कभी कहते हैं कि राज्यपाल सदन को बुला नहीं सकते हैं, कभी कहते हैं कोर्ट उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता है, कभी कहते हैं कोर्ट नहीं कह सकता कि कब सदन बुलाना है। देखिए बेहतर यह है कि कोर्ट ना कहे कि सदन कब बुलाया जाए। ये सारा मामला जो बिहार में शुरू हुआ जब वो नीतीश कुमार वाली गवर्नमेंट का झगड़ा चला था और बूटा सिंह जो थे वो गवर्नर थे कि साहब वो जब नो कॉन्फिडेंस मोशन भी हो रहा है कि साहब इतने समय होगा और लोग ऐसे बैठेंगे और वीडियोग्राफी होगी, ये सब जुडिशियल एक्टिविज्म है, ये अच्छी चीजें नहीं है। बात बिल्कुल साफ है कि अगर चीफ मिनिस्टर विश्वास मत नहीं खोया है, उसकी मेजॉरिटी समाप्त नहीं हुई है, उसके पास मेजॉरिटी है, वो जो समय दे देगा गवर्नर को उस समय में हाउस को बुलाना पड़ेगा। हाउस का एजेंडा क्या होगा इसमें गवर्नर का कोई विशेषाधिकार नहीं है। और आपको मालूम है कि जो विशेषाधिकार वाले प्रावधान हैं वो कुछ हैं, जैसे कश्मीर के बारे में था, सिक्किम के बारे में था, नॉर्थ ईस्ट की कुछ, नागालैंड के बारे में है, वहां कुछ आपको डिस्क्रिशन है। लेकिन बिल्कुल साफ है कि जो हमारी संसदात्मक शासन प्रणाली है, एलजी वाले केस में भी सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच ने कहा कि इलेक्टेड लोग जो हैं उनके पास पावर होगी और एलजी के पास नहीं होगी। और उसमें आपको मालूम है कि जो शब्द था कि गवर्नर कोई भी मैटर, एनी मैटर, सेंटर को रेफर कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एनी मैटर का मतलब एवरी मैटर नहीं है, और गवर्नर जो डिफर करेगा वो डिफरेंस फॉर द सेक ऑफ डिफरेंस नहीं होगा। यहां पर चीफ मिनिस्टर कह रहा है मैं हाउस का सेशन बुलाना चाहता हूं। गवर्नर साहब को कोई राइट नहीं है कि वो कोई भी प्रश्न पूछें इस मुद्दे पे, उनको वो बतलाना चाहिए। विशेषाधिकार बहुत कम है, और जो विशेषाधिकार होते हैं डिस्क्रिशन, उसके बारे में भी कहा जाता है कि डिस्क्रिशन विम्स एंड विशेस पे नहीं एक्सरसाइज होगा, आर्बिट्रली नहीं होगा, किसी की भी एब्सोल्यूट पावर नहीं है। रवीश आपको मालूम है उत्तराखंड के जजमेंट में जस्टिस जोसेफ ने कह दिया था कि भाई कोई राजतंत्र नहीं है, राजा कोई नहीं है, सबकी अपनी सीमाएं हैं, उन सीमाओं में सबको रहना है। पर फैजान साहब मैं ये जानना चाहता हूं कि इतने उदाहरणों के बीच क्या कोई राज्यपाल ऐसा भी था जो
अपने अधिकारों के तहत एक्ट कर रहा था, फैसले ले रहा था, लग नहीं रहा था कि वो किसी का एजेंट है। हर राज्यपाल केंद्र के एजेंट के तौर पर ही लगते हैं। अगर इनसे यही संवैधानिक मकसद पूरा करना है कि अपना खेल खेलना है, तो इतनी बड़ी बिल्डिंग में जिसको क्वारंटीन सेंटर में बदला जा सकता है, हर राजभवन को काफ़ी अच्छे क्वारंटीन सेंटर में बदला जा सकता है, और एक तरह से वो राजनीतिक रूप से क्वारंटीन सेंटर ही है, तो फिर ये राजभवन की व्यवस्था ही क्यों है, राज्यपाल की व्यवस्था ही क्यों है? देखिए रवीश, ऐसा है कि ये राज्यपाल की व्यवस्था जो है वो इसलिए है क्योंकि हमने ब्रिटेन से अपना कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है। वहां पर जो हेड ऑफ द स्टेट क्योंकि महारानी है, गो के वो नाम मात्र की शासक हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर क्वीन ऑफ इंग्लैंड को प्राइम मिनिस्टर जो है उनका डेथ वारंट भी भेजेंगे तो वो हस्ताक्षर करने पे मजबूर है। तो ये एक सिर्फ आपको नॉमिनल हेड बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट का केस है शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जहां सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कह दिया, जस्टिस कृष्णा अय्यर थे, उनसे जस्टिस भगवती ने एग्री किया, वी डिक्लेयर कि हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अडॉप्ट की है और इसमें गवर्नर या राष्ट्रपति के पास कोई भी अधिकार नहीं है। इनको कहा जाता है कि राष्ट्रपति जो है या गवर्नर, दे मे रेन बट दे कैन नॉट रूल, ये एक बात मानी जाती है उसके सिलसिले में। अब मैं जरा सा आपको बता दूं कि मतलब इसका हिंदी में यही मतलब हुआ कि आप प्रतीकात्मक रूप से शासक बने रहें पर शासन नहीं चला सकते, शासन नहीं चला सकते। लेकिन रवीश, आपने जो प्रश्न पूछा है वो बहुत बड़ा प्रश्न है, इसका आज तक उत्तर किसी टीवी चैनल पे डिबेट में नहीं आया कि ऐसा क्यों है कि हमारे जो गवर्नर्स हैं वो केंद्र के एजेंट की तरह काम करते हैं, वो अपने आप को केंद्र का एम्प्लॉई समझते हैं। मैं इस पे आपको बताना चाह रहा हूं कि एक तो इसका रीजन समझ लीजिए। रीजन ये है कि संविधान में ये आ गया कि गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। आप सोचिए, एक आईएएस ऑफिसर को भी आप हटा नहीं सकते जब तक उसके विरुद्ध इंक्वायरी नहीं होगी। जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, उनका जब तक इम्पीचमेंट नहीं होता आप नहीं हटा सकते। एक भी जज को हम नहीं हटा पाए, आपने देखा जस्टिस शुक्ला को पिछले 2 साल से काम नहीं दिया हुआ था इलाहाबाद में, अभी वो रिटायर हो गए। ऐसे ही सीएजी हो गए, इलेक्शन कमिश्नर हो गए, और आपके कोई भी प्रेसिडेंट को ले लीजिए, प्रेसिडेंट को हटाना है तो 2/3 बहुमत चाहिए पूरे हाउसेस का, लेकिन गवर्नर को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है, जब चाहे सेंटर उन्हें हटा दे। तो इसकी वजह यह है कि गवर्नर अपने को कमजोर समझते हैं। अब इसमें एक मैं आपको बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग किस्सा बना दूं कि एक गवर्नर थे जो यूपीएससी के मेंबर रह चुके थे, यह केस है हरगोविंद रघुकुल तिलक का, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, 5 जज बेंच का, संविधान बेंच का, 1979 का, और इनको बाद में गवर्नर बना दिया गया। वो चैलेंज हुआ क्योंकि ये लिखा हुआ है कि यूपीएससी का कोई मेंबर जो है वो कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकता बाद में रिटायर होने के। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कह दिया कि गवर्नर जो है वो एम्प्लॉय नहीं है, गवर्नर केंद्र के कंट्रोल में नहीं है, गवर्नर जो है उसकी अपनी एक स्वतंत्र संवैधानिक हैसियत है और उसके ऊपर कोई केंद्र सरकार अपना कंट्रोल नहीं वो करेगी, वो अकाउंटेबल नहीं है सेंटर के लिए अपने किसी भी फंक्शन को। अफसोस ये है कि हमारे गवर्नर्स जो हैं वो इस केस को नहीं समझते हैं, वो अपने आप को सेंटर के एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हैं जबकि वो सेंटर के कोई ना सबॉर्डिनेट हैं ना एम्प्लॉय हैं, उनकी एक स्वतंत्र संवैधानिक अपनी हस्ती है और उन्हें संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। वो तो ओथ लेता है, जो गवर्नर रवीश ओथ लेता है आर्टिकल 159 के तहत, उसमें वो कहता है कि मैं प्रिजर्व करूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा, डिफेंड करूंगा कॉन्स्टिट्यूशन और अपने आप को सबमिट करूंगा टू द सर्विस एंड वेल बीइंग ऑफ पीपल ऑफ दैट स्टेट। अब ये जो गवर्नर्स हैं ये संविधान को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड नहीं करते बल्कि केंद्र सरकार के जो राजनीतिक इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करते हैं। और उस हिसाब से मैं समझता हूं कि देश के ज्यादातर गवर्नर्स जो हैं उन्होंने अपनी ओथ की वॉयलेशन की है। तो क्या कोई ऐसा भी है जिसने अपने ओथ का सम्मान किया है? ऐसा कोई उदाहरण सामने आ रहा है आपको, याद में आ रहा है, या फिर इस ये सिस्टम है ही क्यों?
अगर ये दुनिया में नहीं, ये सिस्टम दुनिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज में है, लेकिन बहुत कम गवर्नर्स ऐसे हुए हैं। पीसी अलेक्जेंडर ने किसी किसी मामले में स्टैंड लिया, लेकिन ज्यादातर गवर्नर्स बड़े बड़े लोग, यानी संपूर्णानंद इतने बड़े हमारे लिटरेरी फिगर हैं एज गवर्नर जो हैं, उनके मामलात जो थे वो बहुत ठीक नहीं थे। ये सब के सब सेंटर, क्योंकि उनको कोई टेन्योर का प्रोटेक्शन नहीं दिया हुआ, बाकी सबका जो टर्म है ऑफिस के, भाई आप 5 साल तक रहेंगे, आपको जब ही हटाया जाएगा जब आप संविधान की उल्लंघना करेंगे, इम्पीचमेंट होगा। गवर्नर को क्योंकि हमने सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं दिया, तो वो अपने को बचाने के लिए कि मुझे हटा ना दिया जाए, वो ऐसे काम करते हैं। राष्ट्रपति तो क्या केंद्र सरकार जब भी चाहे किसी गवर्नर को हटा सकती ये, है? ये एक प्रावधान हो गया जिसकी वजह से गवर्नर हमारे इस तरह के हैं जैसे हैं। तब तो ये फिर इनसे किसी भी परिस्थिति में किसी भी पार्टी की सरकार में स्वायत्तता की, संविधान के प्रति वफादारी की कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। ये राजनीतिक वफादारी के हिसाब से संविधान की व्याख्या करेंगे। ये मसला है, देखिए संविधान सभा में रवीश इस पे बड़ी बहस हुई कि गवर्नर को कैसा होना चाहिए, उसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा। तो बीएन राव जो हमारे संविधान सभा के एडवाइजर थे, उन्होंने ये कहा कि भाई वो इलेक्ट होना चाहिए और उस राज्य के लोग जो हैं उसे इलेक्ट करेंगे। सरदार पटेल चेयरमैन थे प्रोविंशियल कमेटी के। आपको मालूम है कि पहले राज्यों के अलग संविधान बन रहे थे और केंद्र का अलग, जैसे अमेरिका में आपको मालूम है कि हर राज्य का अलग संविधान है। तो उसमें भी ये बात तय हो गई कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी रहेगी और राज्य की जनता चुनेगी। फिर 17 जुलाई 1947 को ये अडॉप्ट हो गया मुद्दा कि 4 साल टर्म होगा और लोग डायरेक्टली इलेक्ट करेंगे और इम्पीचमेंट से ही हटाया जाएगा मिसबिहेवियर पर। लेकिन 21 फरवरी 1948 को ये हुआ कि नहीं भाई ये भी सोच ले कि क्या राष्ट्रपति जो है वो एक पैनल उसे दे दिया जाए 4 लोगों का, जिनको राज्य की विधानसभा चुन ले और राष्ट्रपति जो है उसमें से किसी एक को चुन ले। जयप्रकाश नारायणन ने यह कहा कि ये इलेक्शन ऐसा होना चाहिए, पैनल जो 4 का बने, कि असेंबली के सारे लोग उसमें हिस्सा लें और उस राज्य के जो संसद में सदस्य हैं राज्यसभा और लोकसभा में, वो भी उसमें हिस्सा लें और उसके बाद वो पैनल बन जाए। और बाद में ये हुआ कि नेहरू जो थे उन्होंने ये कहा कि भाई ये बड़ा मसला हो जाएगा, अब हालात खराब हो गए हैं, और 49 मई तक आके ये डिसीजन हो गया कि भाई प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, क्योंकि अंबेडकर ने ये लाइन ले ली कि भाई जब उसके पावर ही नहीं है उसके पास, तो उसके इलेक्शन पे इतना पैसा क्यों खर्च किया जाए। कुछ लोगों ने ये कहा, जैसे अल्लादी कृष्णा स्वामी ने, कि चीफ मिनिस्टर और गवर्नर दोनों अगर चुन के आएंगे तो आपस में ईगो क्लैश हो जाएगा। किसी और ने ये कह दिया कि साहब नेहरू ने भी ये कह दिया कि भाई ऐसा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये इलेक्टेड गवर्नर और चीफ मिनिस्टर जो हैं ये सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज को आगे बढ़ा दें, और कहीं पे ये बात हो गई कि भाई ये दोनों मिल जाएंगे और सेंटर के विरुद्ध हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि सिर्फ एक कन्वेंशन रह गया कि जब भी गवर्नर का अपॉइंटमेंट होगा जो मुख्यमंत्री होगा उससे कंसल्ट किया जाएगा। नेहरू ने अपने 17 साल में कोई गवर्नर अपॉइंट नहीं किया जिसको मुख्यमंत्री ने अपोज किया। मैं ये समझ, गवर्नर्स की कमेटी ने भी ये रिकमेंड किया है। तो संविधान जो रिव्यू कमीशन था जस्टिस वेंकट चलैया का, उन्होंने भी ऐसी रिकमेंडेशन दी। मैं ये समझता हूं कि अगर गवर्नर के अपॉइंटमेंट में मुख्यमंत्री से कंसल्ट किया जाएगा तो जैसा राजस्थान में और जगह हुआ है, इस तरह का कन्फ्रंटेशन नहीं होगा। जी, कितना कुछ आपने बता दिया, बहुत ही बहुत बहुत शुक्रिया। एक चलते चलते एक सवाल शुरू में पूछना रह गया था कि क्या राज्यपाल सदन बुलाने के लिए खुद से स्वतंत्र है सदन की बैठक? सिर्फ रवीश उस समय जब मुख्यमंत्री जो है वो अपना विश्वास खो चुका है और मुख्यमंत्री जो है वो सदन का वो नहीं बुला रहा है, तब राज्यपाल उस समय बिना चीफ मिनिस्टर की कोई रिटर्न रिक्वेस्ट गए हुए अपने आप सदन का सेशन बुलाएगा और मुख्यमंत्री को ये निर्देश देगा कि आप विश्वास मत प्राप्त कीजिए। लेकिन जो राजस्थान के हालात हैं, आपको मालूम होगा अरुणाचल के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पहले सेशन बुलाया गया, एक डेट फिक्स हो गई, बाद में
उसके पहले बुला लिया, पहले बुला लिया। आप सोचिए इस बात पे जो गवर्नर राजखोवा थे उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये जो इनका एक्शन है ये असंवैधानिक है, ये थ्रेशिंग है संविधान की, ये स्पैंकिंग है गवर्नेंस की। इतने सख्त जुमले वहां जस्टिस लोकुर ने भी इस्तेमाल किए उस जजमेंट में, और जस्टिस केहर ने भी जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने बाद में। और आप ये देखिए कि कोई जजमेंट ऐसा नहीं है जिसमें आज तक कभी ये कहा गया हो कि गवर्नर जो है वो सेशन बुलाने के लिए नॉर्मल हालात में फ्री है। ये बिल्कुल पूरी बात साफ है कि ये टाइम जो है दिया जा रहा है ज्यादा से ज्यादा कि सचिन पायलट जो है उनका नंबर ये जो 18, 19, 22 है ये 30, 35 तक पहुंच जाए। और जैसे ही वो नंबर पहुंचेगा गवर्नर साहब सेशन भी बुलाएंगे, कोरोना भी भूल जाएंगे जैसा एमपी में हो चुका है आपको मालूम है, और वहां पे ये विश्वास मत में गहलोत साहब की सरकार गिर जाएगी। लेकिन ये सब एक संविधान की जो ऑब्जेक्टिविटी और कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट की बात की थी और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये उसके विरुद्ध है। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस ये है कि सियासत तो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, उन्हें करनी चाहिए। बीजेपी को ये हक है कि सरकार गिरवा दे गहलोत की, लेकिन गिरने में ये नहीं लगना चाहिए कि आपने संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पे रख दिया, ये बात अच्छी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया फैजान साहब जानकारी देने के लिए। राज्यपाल के अधिकारों के बारे में भी और उनके हटाए जाने की प्रक्रिया के बारे में भी और उनके अच्छे कर्तव्यों के बारे में भी, जिन्हें बुरे शब्दों में करतूत कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम ब्रेक लेते हैं। और अब अजय सिंह इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि बनारस में कोरोना के इलाज की क्या स्थिति है। पूर्वांचल जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका है उन जिलों से भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं और उन सब की निर्भरता बनारस में स्थित बीएचयू सहित अस्पतालों में है। सबकी ये उम्मीद रहती है कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है तो यहाँ पर इंतजाम बाकी जगहों की तुलना में कहीं बेहतर होगा, लेकिन क्या ऐसा हो पा रहा है? शायद ऐसा नहीं हो पा रहा होगा या इसे और ठीक किया जाना चाहिए था, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी बनारस का दौरा करना पड़ा। अजय सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। मेरा बच्चा यहाँ कोविड वार्ड में एडमिट है 17 तारीख से, और यहाँ की दुर्व्यवस्था से मैं बहुत थक गई हूँ क्योंकि मैं 17 तारीख से लगातार आपके बीएचयू में बैठ के ये डर से बैठी हूँ कहीं मेरे बच्चे के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि अंदर की जो दुर्व्यवस्था है वो अब न मुझसे देखी जा रही है न मुझसे झेली जा रही है। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, और आप सब लोगों से आग्रह है कि बस मेरे बच्चे को बाहर निकलवा दें। ये गुहार उस माँ की है जिसका बेटा बीएचयू के कोविड वार्ड में भर्ती है। वो यहाँ की बद इंतजामी से घबराई हुई है। कोशिश की कि रविवार को यहाँ दौरे पर आए मुख्यमंत्री से मिल सके, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी, तो मीडिया से बताई अपनी तकलीफ। मेरी डिमांड बस अभी इतनी है सीएम जी से कि आप जो है मेरे बच्चे को अभी बाहर करें ताकि मैं उसे घर ले जाके होम क्वारंटाइन करूं। जो भी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि काढ़ा पिलाइए, हल्दी दूध पिलाइए, सब आपके यहाँ व्यवस्था नहीं है। लेकिन अगर सांस फूल रही होगी फिर उसको कोई जरूरत पड़ेगी तो फिर घर में कैसे इलाज होगा उसका? नहीं सर, सांस फूलनी उसकी पहले से कंट्रोल है। अच्छा। उसके पास फोन है, मेरी बात होती है। अच्छा। वहाँ अंदर की असुविधा और न देखभाल, जो वहाँ की दुर्व्यवस्था है उसकी वजह से उसकी तबीयत बार बार बिगड़ रही है। गुहार लगा रही महिला का बेटा मेडिकल का छात्र है, होली की छुट्टी में घर आया था, तब से यहीं रह गया। वो पहले से अस्थमा का मरीज है, कुछ दिन पहले ज़्यादा परेशानी हुई तो कोविड टेस्ट हुआ, पॉजिटिव आने पर बीएचयू भर्ती कराया गया। यहाँ इलाज से उसकी हालात भी सुधरी, लेकिन गंदगी और बद इंतजामी से वो परेशान है। उनका एक यंग बेटा है, कोविड से ग्रसित है, वो ये चाहते हैं कि साहब हम उसको अपने ही घर में रख लें। अब क्योंकि वो कोविड से हैं, यहाँ आ गए हैं अस्पताल में, तो यहाँ हम सरकार के जो नियम कायदे हैं उसके तहत चलते हुए उनकी जांच करा करके और उनको डिस्चार्ज कर देंगे। हम उसको पूरी सुविधाएं दे रहे हैं क्योंकि वो किसी दूसरी जगह थे और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे, इसीलिए उनको यहाँ भेजा गया।
और अब काफ़ी बेहतर स्थिति में है, ताकि वो ये सोचने में आ गए हैं कि अब हम उनको यहाँ से ले जाएं तो अच्छा रहेगा। बनारस में अब तक कोविड के 2125 मामले आ चुके हैं, 855 मरीज ठीक हो चुके हैं। बावजूद इसके बद इंतजामी की तस्वीर पहले भी आई और अब भी। शायद इसी बद इंतजामी की खबर ने मुख्यमंत्री को मजबूर किया कि वो यहाँ आए और हालात का जायजा लें। बीएचयू के सर सुंदर लाल अस्पताल को पूर्वांचल का एम्स कहा जाता है, इस पर लोगों का बहुत भरोसा है। ऐसे में जरूरत है इस भरोसे को कायम करने के लिए ठोस नतीजों की, न कि सिर्फ आश्वासन की, और शायद मुख्यमंत्री भी यही बात समझाने आए थे। वाराणसी से अनुज के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।